मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद डामोर और उनके निजी सचिव के द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाने से यूथ कांग्रेस नाराज है। उस प्रकरण को वापस लेने की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस ने कन्नौज में युवक कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव अकरम खान के नेतृत्व में शनिवार को बस स्टैंड झंडा चौक से लेकर एसडीएम कार्यालय तक प्रदर्शन कर रैली निकाली तथा तहसीलदार नागेश्वर प्रसाद पनिका को महामहिम राज्यपाल और डीजीपी भोपाल के नाम ज्ञापन सौंप कर मांग की गई। वहीं जानकारी देते हुए युवक कांग्रेस के तेजस्वी मांजरेकर ने बताया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के खिलाफ जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लिए जाएं। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। किस संबंध में ज्ञापन सौंपा और क्या मांग है आपकी? हमारे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विक्रांत भूरिया जी के ऊपर भारतीय दंड विधान की धारा 505(1)(b), 499 और 500 के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने द्वेषपूर्ण तरीके से FIR दर्ज कराई है। हमारी मांग है कि इन धाराओं के माध्यम से जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर झूठी FIR की, उस FIR को निरस्त किया जाए। डिलिस्टिंग को लेकर कुछ दिन पहले हम लोग जानते हैं RSS के एक अनुचांगिक संगठन ने रैली निकाली थी और उस रैली में उन लोगों ने ये मांग की थी और अपने झाबुआ से जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उन्होंने ये मांग की थी कि धीरे धीरे करके हम आरक्षण को समाप्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की इस आरक्षण विरोधी नीति का विरोध हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने किया और जब वो इस तरीके का विरोध करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उन पर झूठी और निराधार धाराओं के अंतर्गत FIR कराती है। हम सभी लोग यहाँ पर, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय कैलाश कुंडल जी, प्रदेश सचिव हमारे अकरम खान और सभी लोकसभा के हमारे पूर्व अध्यक्ष फारूक खान और सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इन सभी लोगों की हमारी ये मांग है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर झूठी FIR जो शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में हुई है इसको वापस। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।